हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धीरेन शुक्ला। आप देख रहे हैं डिजिटल धीरू। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का फाइल मेनू। यस, अभी हम लोगों ने जाना था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का होम टैब। अब हम जानने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का फाइल मेन्यू। दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे बार बार मेरे स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्टिवेशन विजार्ड आता है। एक्चुअल क्या है कि जो हम लोग जर्नली सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो एक्टिवेटेड नहीं होते हैं, ठीक है, ट्रायल होते हैं या फिर पायरेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये सिंपल सा ट्रायल वर्जन में यूज कर रहा हूँ। इसको भी एक्टिव करना है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे करना है मैं वो भी बताऊंगा। अभी हम बात कर रहे थे फाइल मेन्यू में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 का फाइल मेनू या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 का फाइल मेनू, या फिर कहें तो लगभग 13 का, 16 का, लगभग लगभग सभी वही हैं। कुछ माइनर चेंजेस हैं जो मैं आपको बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहां पर जो फाइल मेनू दिख रही है आपके लिए, एमएस वर्ड 2007 की बात यदि हम करें, यहां पर देखिए मैं ओपन कर लेता हूं वर्ड 2007, तो वहां पर आप देखेंगे कि फाइल मेन्यू नहीं हुआ करती थी, ठीक है। और 2003 की हम बात करें तो 2003 में फाइल मेन्यू हुआ करती थी। तो पहले इसको हटा दिया गया और फिर इसको वापस रिपीट किया गया है। पहले इसको हटा के 2007 में यहां पर इस कोने में एक बटन रख दिया गया था, जिसका नाम रखा गया था ऑफिस बटन। यस, ऑफिस बटन, जो कि सभी जो उसमें ऑप्शन होते थे वही होते थे जो एक फाइल मेन्यू में हुआ करते थे। तो उसका नाम हम लोग ऑफिस बटन कहते थे, और अब वो चेंज होके फिर वापस फाइल मेन्यू के रूप में आ गया है, जो कि 2010 से आपको लगभग सभी वर्जन में दिख जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फाइल में क्या क्या होता है, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प ऑप्शन एंड एग्जिट, ठीक है। इन सबको हम जानते हैं, ठीक है। तो मैं दिखा रहा था आपके लिए कि 2007 में कहां पर आपका ऑफिस बटन हुआ करता था। देखिए ये यहां पर ऑफिस बटन है, हम इस पे क्लिक करते हैं। देखिए न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, लगभग सभी वही ऑप्शन है जो अभी 2010 में फाइल मेनू में है। तो पहले यहां पर क्या हुआ करता था, ऑफिस बटन, मैंने आपको बता दिया है, आप देख लिया है, समझ गए होंगे आप इस बात के लिए। यहां से इसे मिनिमाइज कर लेते हैं, वापस आते हैं 2010 में, ठीक है। तो सेव, सेव मीन्स जानते होंगे शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस एस होती है सेव। फाइल को हम सेव कर सकते हैं और इन फ्यूचर हमें कभी भी यूज करना है तो उसे हम ओपन कर पाएंगे। ओके, तो यहां पर जैसे ही आप ओपन की देखेंगे तो यहाँ पे ओपन नहीं दिख रहा, सीधा रीसेंट दिख रहा है, मतलब जो करंट में आपने फाइल यूज की है। अगर आपके लिए ओपन करना है तो आप कंट्रोल ओ भी कर सकते हैं, इसमें शॉर्टकट की यूज होती है, कंट्रोल ओ, ओपन, है ना। तो ये आप कर पाएंगे। यहां पर हम चलते हैं, ये होती है आपकी क्विक एक्सेस टूल बार, तो आपको यहां पर ओपन दिख जाएगा देखिए। लेकिन आप यहां पर फाइल मेनू में देखेंगे तो यहां पर ओपन इसके जस्ट नीचे है ना। तो यहाँ पे रीसेंट मतलब वह होता है जो आपने करंट में फाइल सेव की है या करंट में फाइल आपने ओपन की है। जैसे मान लेते हैं अभी मैंने एक फाइल यहाँ पे बनाई है जिसमें मैंने लिखा है डिजिटल धीरू। ओके, मैंने ये लिख दिया है, एक सेकेंड, धीरू, ठीक, कंट्रोल ए किया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, शॉर्टकट की है कि आप इससे फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए बढ़ रहा है, मैंने ये कर लिया है, और इसको मैं डिलीट कर देता हूं, और यहां पर मैंने जाके स्पेस दिया या फिर टैब यूज कर लेते हैं और लिख दिया है सब्सक्राइब। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल। बहुत सिंपल, इस वीडियो के नीचे आपके लिए रेड कलर में सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस कलर में दिख रहा होगा, बैकग्राउंड व्हाइट होगा और ये रेड होगा, है ना। तो मैं करके दिखा देता हूँ, व्हाइट कर दिया अपन ने, इसका बैकग्राउंड मुझे देना है रेड। तो ये देखिए ऐसा आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, तो आप कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक। तो ये फाइल मैंने बनाई है, इसको मैंने किया सेव। ओके, और कहाँ सेव हो रही है, डॉक्यूमेंट्स में सेव होती है जर्नली, तो हमें इसे डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर देंगे, आसानी से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए सेव कर दी मैंने फाइल को, ओके कर दिया है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से बंद किया है, आप यहाँ पर देखें डिजिटल धीरू, यहाँ पर फाइल दिख रही है, डेस्कटॉप है मेरा, आपने इस पर डबल क्लिक किया तो फाइल आपकी ओपन हो गई। एक तरीका हो गया ओपन करने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ से जर्नली एमएस वर्ड 2010 ओपन कर लीजिए, फाइल में जाइए, फाइल में जाइए
और ओपन पे क्लिक करिए। तो यहाँ पर आपके लिए कंप्यूटर दिख रही है, कंप्यूटर नाम से फाइल बनी, तो मैंने डाला था इसको डेस्कटॉप पर, तो डेस्कटॉप पे क्लिक करिए और यहाँ से जाके आप देखेंगे डिजिटल धीरू पे क्लिक करेंगे ओपन, हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। दो तरीके हो गए, तीसरा तरीका है यहाँ पर रिसेंट पे चलेंगे हम। रिसेंट में देखिए यहाँ पर डिजिटल धीरू दिख रहा है, तो आप क्लिक कर देंगे तो ओपन हो जाएगी। ओपन पहले से थी इसलिए हुई नहीं। ओके अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेव एज। इसी फाइल को मुझे किसी नए नाम से या कुछ नए परिवर्तन के साथ सेव करना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसका कलर कर दिया है ब्लू। ओके और इसको मैंने सेलेक्ट किया है, इसका कलर मैंने कर दिया है ग्रीन। ओके मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया और यहां से फॉन्ट इंक्रीज कर लिया है। ठीक, ज्यादा इंक्रीज हो गया है, ये कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने ले लिया है, टैब लेके बीच में रख लेते। अब मुझे एक फाइल इसके साथ सेव करनी है, इस टाइप से देखें। तो मैं फिर से चलूंगा फाइल में, सेव एस पे क्लिक करूंगा। सेव की शॉर्टकट की मैंने बताई है कंट्रोल प्लस एस होती है, सेव एस की मैं शॉर्टकट की आपको बता देता हूं। सेव एस पे मैंने क्लिक किया, डिजिटल धीरू वन कर दिया मैंने, नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, और डेस्कटॉप पे जाके मैंने इसको सेव किया है, डेस्कटॉप पे क्लिक किया और सेव कर दिया है। ठीक, अब हम देखेंगे कि हम पुरानी फाइल को ओपन करते हैं रिसेंट में चल के डिजिटल धीरू, तो उसमें ये मैटर था हमारा, मैंने इसी को अपडेट करके नई फाइल बना दी है, तो मैं वो ओपन करके देखता हूँ, ओपन कर लें या फिर हम वहां से कर लें डिजिटल धीरू वन, तो आपके लिए फाइल दिख जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर चलूंगा नीचे टास्क बार पर, यहाँ पर देखेंगे अपन लोग तो दो फाइल दिख रही है, एक ये है और एक ये है। तो सेव एस मैंने कर लिया है। अब मान लीजिए मैंने कुछ और कर लिया है, टेक्नोलॉजी मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, मैंने ये लिख दिया है केवल ऐसे ही जस्ट। अब मुझे क्या करना है, इसको सेव करना है, तो F12 शॉर्टकट की होती है, F12 आप प्रेस करेंगे तो आप अपने इस जो आपने फाइल बनाई है उसको सेव एज कर पाएंगे। ठीक है, तो सेव एज के लिए आप F12 की का यूज कर लें। ओपन हो गया है, सेव हो गया है, सेव एज हो गया है, क्लोज। क्लोज क्या करता है, क्लोज करता है हमारा जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर कोई भी हम एप्लीकेशन यूज करते हैं तो दो विंडो में होता है, एक होता है डॉक्यूमेंट विंडो, एक होती है एप्लीकेशन विंडो। तो ये डॉक्यूमेंट विंडो को बंद कर देगा, ये देखिए मैंने फिर यहाँ पे चला, क्लोज किया, ये देखिए ये बंद हो गया, सॉफ्टवेयर मेरा खुला हुआ है बट फाइल सारी बंद हो चुकी है। फाइल को ओपन करना है तो मैं ओपन में जाके या फिर यहां से ओपन कर सकता हूँ, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि फाइल को बंद करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल डब्लू, कंट्रोल डब्लू आप करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो फाइल है वो बंद हो जाएगी। मैं दिखा देता हूँ आपके लिए, फाइल बंद कर दी मैंने, ये खुला हुआ है। कंट्रोल के साथ अपन डब्लू प्रेस करेंगे तो यह फाइल है जो बंद हो जाएगी, ये देखिए बंद हो गई है। ये शॉर्टकट की है, यहाँ पर नहीं दिखती है, कुछ ऐसी शॉर्टकट की होती है जो हिडन होती है, वो हम लोगों को बाहर से देखनी पड़ती है। तो सारी शॉर्टकट की का भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, अभी फिलहाल अपन लोग फाइल मेनू को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब है हमारा इन्फो, इन्फो पे क्लिक करते हैं अपन लोग तो हमारे पास सारी डिटेल आ जाती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अबाउट डिजिटल धीरू, मतलब जो हमारी फाइल है उसकी डिटेल यहाँ पर हमें मिल जाएगी। यहाँ से देखते हैं हम साइज क्या है, पेज कितने हैं, वर्ड कितने हैं, टोटल एडिटिंग टाइम क्या है, एडिटिंग में टाइम में कितना टाइम लिया मैंने, हर एक चीज यहाँ पर आ रही है। ठीक है, ओपन फाइल लोकेशन, फाइल लोकेशन बता देगा कि भाई यहाँ पर डली है आपकी फाइल, तो सारी चीजें आपके लिए यहाँ पर मिल जाएंगी। और भी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं, देखिए आप, ऑथर डिजिटल धीरू, लास्ट मॉडिफाइड बाय डिजिटल धीरू, मतलब जो मैंने नाम डाला है उस वही वही चीजें सारी यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, इन्फो में कुछ और चीजें हैं, प्रोडक्ट एक्टिवेशन रिक्वायर्ड, हमने प्रोडक्ट को एक्टिवेशन किया नहीं है, हमने बताया आपके लिए कि हम एक इसका जो ट्रायल वर्जन है या फिर कहें एजुकेशन वर्जन यूज कर रहे हैं, हमने तो इसको नहीं किया है। अगर हमारे पास होता हम एक्टिवेशन पे क्लिक करते, बता देता पूरा तरीका कि कैसे कैसे करना है, तो हम लोग यहाँ से कर लेते, बट हमें नहीं करना है तो हम वापस आ जाएंगे इन्फॉर्मेशन में, इन्फॉर्मेशन सेक्शन, जैसे हमारे मोबाइल में नोटिफिकेशन एरिया होता है इसमें इन्फॉर्मेशन एरिया है। ठीक है, एनीवन कैन ओपन कॉपी एंड चेंज पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, हम प्रोटेक्ट पे चलते हैं, प्रोटेक्ट पे चलेंगे तो इसमें कई चीजें दिख रही हैं। ठीक है, सब है मार्क एज फाइनल, मार्क एज फाइनल यदि हम कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए द डॉक्यूमेंट हैज बीन मार्क्ड एज फाइनल इंडिकेट दैट एडिटिंग इज कम्प्लीट एंड दिस इज द फाइनल वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब ये मार्क हो चुका है, अब हम आएंगे वापस, तो यहाँ पर हम कोई चीज डिलीट कर रहे हैं तो नहीं हो रही है, हम कलर चेंज कर रहे हैं तो कलर चेंज नहीं हो रहा है, कुछ लिख रहे हैं तो नहीं लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप एक मैसेज आ रहा है मार्क एज फाइनल, यह एक नया फीचर है जो 2007 में आया है,
उसके पहले के वर्जन में नहीं हुआ करता था, हुआ करता था तो एक दूसरे तरीके से हुआ करता था, मैं बता दूंगा वो आपको। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि मार्केस फाइनलिस ने लिख दिया, मार्केस फाइनलिस ने लिख दिया यहां पर, तो आप इसमें बिल्कुल परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको परिवर्तन करना है तो एडिट एनी वे पे क्लिक करें आप, ठीक है, फिर आप यहां पर परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स, ठीक, तो आप देखेंगे मैंने लिख दिया है, कलर अपना फॉन्ट व्हाइट था इसलिए नहीं दिख रहा था, ठीक। तो अब आप देख रहे हैं कि लिखा जा रहा है, तो फाइल मेनू में जो आपका इंफॉर्मेशन है इसके अंदर परमिशन पे चलेंगे तो मार्केस फाइनल आपको क्लियर हो गया होगा। इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, इसमें हम पासवर्ड दे सकते हैं, 1 2 3 मैंने पासवर्ड दे दिया है, ओके कर दिया है, 1 2 3 ओके कर दिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अब जब हम यहां पर कोई चीज लिखेंगे, ठीक है, ये लिखा हुआ है, एक सेकेंड मैं बता देता हूं आपके लिए कैसे करना है। इसको पहले क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू कर देते हैं, होम पर आते हैं, जब भी आप पासवर्ड डालें तो कंट्रोल डब्ल्यू करके बाहर आ जाएं। मैंने सेव कर दिया तो यार वो ब्लैंक ही हो जाएगी, ये देखिए पासवर्ड मांग रहा है, 1 2 3 पासवर्ड डाल दिया, लेकिन मैंने सेव कर दिया तो ब्लैंक ही होगी, ये मिस्टेक होगी अपन से, तो फिर से कर लेते अपन लोग। मैं दूसरी फाइल पे समझा देता हूँ आपके लिए। ये देखिए रिसेंट में चले, डिजिटल धीरू मैंने ओपन किया, यहाँ से ये सिलेक्ट किया अपन ने, इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है, ओके, इसको सिलेक्ट किया हमने, बोल्ड कर दिया, सेंटर कर लिया है, कलर कर देते हैं भाई, कलर अपन ने इसका रेड कर लिया यहाँ से, और ये मैंने ब्लैक ही रहने देते, ओके। अब हमने क्या किया, इस फाइल को जाके कर दिया इन्फो में चल के, परमिशन में चल के, और इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, पासवर्ड दे दिया 145 145, ओके, ठीक है। होम पे चलते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे, फाइल को बंद करेंगे, सेव कर देंगे, ठीक, और इसको ही बंद कर देते। अब देखिए जब हम फाइल को ओपन करेंगे तो हमसे पासवर्ड मांगेगा, और यदि आप पासवर्ड भूल गए तो आप अपनी फाइल को ओपन कभी नहीं कर पाएंगे, इसलिए कोशिश करें पासवर्ड ऐसा डालें सिंपल जो आपको आसानी से याद रहे, ठीक है। दोस्तों और भी बहुत सारे इसमें फीचर हैं जिनको हम बाद में समझेंगे, अभी जो यूजफुल है मैंने बता दिया आपके लिए, बाकी इन चीजों को भी जानेंगे हम, अभी इसको स्किप करके आगे बढ़ते अपन लोग, है ना। अब नेक्स्ट है हमारा प्रिपिंग फॉर शेयरिंग, ठीक है, बिफोर शेयरिंग दिस फाइल बी अवेयर दैट इट कंटेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी एंड ऑथर्स नेम, और कंटेंट्स दैट पीपल विथ डिसेबिलिटीज फाइंड द डिफिकल्ट टू रीड। देखिए यहाँ पर क्या है, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करते हैं, हम अगर फाइल को शेयरिंग करनी है तो उसको चेक कर लें कि फाइल में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, हम यदि इंस्पेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई कमी होगी, देखिए ये सारी चीजें सेलेक्ट है यहाँ पर, और कर देगा, हेडन टेक्स्ट तो नहीं है, इनविजिबल कंटेंट तो नहीं है, हेडर फुटर कहाँ पर है, ये सब इंस्पेक्ट करेंगे तो आएगा। देखिए तो यहाँ पर आ रहा है कमेंट्स रिविजन वर्जन एंड ऑटोनेशन नहीं है इसमें, तो नो आइटम वेयर फाउंड। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में क्या क्या, इतना है, ठीक है, इसमें क्या है, केवल इतना है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये हम लोग तब समझेंगे जब हम हेडर फुटर या फिर कमेंट्स के बारे में जानेंगे, तो आगे चल बताएंगे हम आपके लिए, ये सारे ऑप्शन हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, हम केवल बेसिक समझ रहे थे अभी, ठीक है। मैनेज वर्जन, यहाँ पे वर्जन मैनेज कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सारी चीजें जान लेंगे बाद में हम। रिसेंट पे आ जाते हैं हम, रिसेंट में जो भी हम फाइल यूज करते हैं, ओपन करते हैं, तो वो यहाँ दिखने लगती हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उनको और ओपन कर सकते हैं, ठीक है। न्यू मतलब तो जानते ही, आप न्यू फाइल ले सकते हैं, न्यू किस फाइल, किस प्रकार की चाहिए, ब्लैंक चाहिए, ब्लॉक चाहिए, रिसेंट टेम्पलेट चाहिए, सिंपल टेम्पलेट, बहुत डिफरेंट टाइप के दिए हैं यहाँ पर, बहुत सारे पार्ट्स दिए हैं, जो आपको चाहिए हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, किसी एक को सेलेक्ट मारिए और क्रिएट कर दीजिए। देखिए जैसे मैंने ये लिया है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, क्रिएट किया, एक नया पेज हमारे पास आ गया है, तो आपको जिसकी जरूरत हो आप वो ओपन करें और क्रिएट कर लें, ठीक है, और उस पर वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंट, जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं तो उसको हम प्रिंट जरूर करते हैं, तो पहले इसको फाइल को बंद कर लेते हैं अपन लोग, ये फाइल है हमारी मान लेते हैं, और हम चलते हैं प्रिंट, प्रिंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ से। प्रिंट कॉपीज, कितनी कॉपीज चाहिए आपके लिए, 10 20 50 100 जितनी आपको चाहिए ले सकते हैं, इसकी भी सेटिंग होती है, इसका भी मैं अलग से वीडियो बना के दूंगा आपके लिए, अभी बेसिक समझ लें यहाँ से। यहाँ पे प्रिंटिंग की सारी चीजें देख रही हैं, तो आप कर सकते हो तो कर लीजिए, नहीं कर सकते तो मैं बताऊंगा, अभी केवल बेसिक समझ रहे हैं हम लोग, है ना। फिर है सेव एंड सेंड, ठीक है, हम फाइल को सेव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, कहाँ सेंड करना है, मेल से करना, वेब पे करना, सेव एंड शेयर करना है, पब्लिश ब्लॉग पर करना है, डायरेक्ट ब्लॉग पे भी शेयर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं भी जानेंगे हम, ठीक है। फाइल को सेव करना है पीडीएफ के रूप में, तो सेव एज पीडीएफ कर दीजिए, यही फाइल हमारी पीडीएफ के रूप में सेव हो जाएगी, ठीक है, तो आप ये सारी चीजें कर पाएंगे, ओके। तो
और भी बहुत सी चीजें हैं इसमें जिनको हमें जानना है, आगे चल के हम जानेंगे। सेंड एज एक्सपीएस पार्ट, मतलब एक्सपीएस फॉर्मेट में पहुंचाना है, सेंड एज अटैचमेंट सेंड करना है, लिंक सेंड करनी है, क्या करनी है सारी चीज, सेंड एज इंटरनेट फैक्स, फैक्स पे सेंड करना, तो ये कर सकते हैं। हेल्प जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, F1 प्रेस करके आप इसको ओपन कर सकते हैं, तो इसको भी आप हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। F1 प्रेस किया या फिर F1 यहीं पे क्लिक कर दिया था, दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट हेल्प खुल गया। हमने लिखा हाउ टू ओपन फाइल, हाउ टू सेव, ठीक है कर दिया मैंने। तो यहाँ पर सेव कैसे किया जाता है सारी डिटेल आपको बता देगा, सेव अ फाइल, ये देखिए पूरी डिटेल उसने दी है। जिसको नहीं आता है एमएस वर्ड, वो भी थोड़ा सा इंग्लिश आता हो उसके लिए, थोड़ी सी इंग्लिश आती हो उसके लिए, वो यहाँ पर एमएस वर्ड आसानी से वो यूज कर सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर चला सकता है यदि उसके लिए थोड़ी इंग्लिश आती है, थोड़ा सा समझदारी से यूज कर ले। नेक्स्ट है हमारा दोस्त, यहाँ पे हर प्रकार में आप हेल्प ले सकते हैं, तो जिसके लिए आपको चाहिए उसके संबंधित हेल्प पे क्लिक कर दीजिए। ऑप्शन पे आ जाते हैं हम, जो हमारा एमएस वर्ड हम चला रहे हैं उससे संबंधित है, जैसे कुछ चीजें बता देता हूँ, हमें ब्लू कलर चाहिए हमारे लिए, ओके कर देंगे हम, तो आप देखेंगे ब्लू हो गया है, ठीक है। और चलते हैं ऑप्शन में, कुछ और चीजें बता देता हूँ मैं, बेसिक सी, ब्लैक कर दिया मैंने, ठीक है, तो आप देखेंगे इसका एनवायरमेंट ब्लैक हो गया है। तो आपको जो एनवायरमेंट चेंज करने हैं वो आप कर सकते हैं, बाकी और सारे ऑप्शन को जो जो इसकी डिटेल रहेगी मैं सब एक एक पार्ट को डिस्क्राइब करूंगा और बिल्कुल एक एक चीज आपको बता दूंगा। यूजर नेम मुझे क्या रखना है, इनिशियल्स क्या रखना है, सारे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको समझ में आ गया होगा एग्जिट का मतलब होता है सॉफ्टवेयर से एग्जिट हो जाना, और डोंट सेव किया मैंने बाहर हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, इसमें हम जानेंगे और भी बहुत सी चीजें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और अच्छा लगे आपके लिए तो शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब करके देखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन मेरे द्वारा मिलते रहेंगे। जय हिंद जय भारत। वीडियो के नीचे दिख रहे इस आइकन पर क्लिक करिए और डिजिटल हीरो को सब्सक्राइब करिएगा, और नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। डिजिटल हीरो एक ऐसा चैनल है जिसमें आपके लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के, जैसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मोबाइल, इंटरनेट और डिफरेंट टाइप के सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी से संबंधित आपके लिए वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ है सभी वीडियो आपके लिए हिंदी में मिलेंगे, क्योंकि डिजिटल हीरो एक हिंदी भाषी लोगों के लिए चैनल बनाया गया है। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए इस रेड बटन पर क्लिक करके और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो प्राप्त करिए।